नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सत्ताधारी दल भाजपा विधायकों का विरोध शुरू हो गया है। अब एक ऐसा ही मामला लालकुआ के विधायक नवीन दुमका से जुड़ा सामने आया है, जिनके विरोध में स्थानीय ग्रामीण समेत उनके ही कार्यकर्ता भी उतर आए हैं। दरअसल जयपुर भीसा गाँव के ग्रामीणों ने लालकुआ विधायक नवीन दुमका पर 4 सालों में उनके गाँव की प्रगति और विकास कार्यों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। साथ ही उनके कार्यकर्ताओं ने ये कहकर पार्टी छोड़ दी कि अगर वो अपनी कोई भी समस्या को लेकर विधायक के पास जाते हैं तो वो उसे गंभीरता से नहीं सुनते। पार्टी छोड़ने वालों जयपुर बीसा गांव के भाजपा के बूथ अध्यक्ष चंदन मनराल के साथ गांव के 150 से अधिक लोग शामिल हैं। इन सभी ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है और विधायक नवीन दुमका के खिलाफ आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया है। चंदन मनराल का कहना है कि उनके और उनके गांव के लोगों द्वारा सड़क, सोलर लाइट के साथ ही जंगली जानवरों से सुरक्षा को लेकर लालकुआ विधायक से गुहार लगाई गई थी, लेकिन विधायक ने सिर्फ किसी समस्या का हल नहीं किया। भाजपा के इस तरह से बगावती बिगुल ने राज्य सरकार के माथे पर भी बल डाल दिए हैं। इसी तरह चलता रहा तो पार्टी के अंदर चल रहे मतभेदों का नतीजा भाजपा को आने वाले चुनावों में उठाना पड़ सकता है। मैं विधायक जी, हमारे क्षेत्रीय विधायक नवीन चंद दुमका जी ने खाली झूठे वादे किए। हमने उनसे फिलहाल अभी एक वैकल्पिक रोड के लिए कहा था कि जो हमारे सरहद है उसके बगल में आप एक वैकल्पिक रास्ता हमें दे दीजिए। हमें उनने कितने बार हमने उन्हें ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन उनने इसमें कोई जोर नहीं दिया और कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं दिया हमें। अच्छा, विकास जो आज तक हुआ नहीं कभी। हमारे क्षेत्रीय विधायक नवीन दुमका जी ने पूरा आश्वासन दिया था कि हम इतने आपकी मेन समस्याओं का पूरा हल करेंगे। हम कितने बार विधायक जी के पास गए, लेकिन आज की समस्या का हल नहीं हुआ। इसलिए हमने पूरे जयपुर तेजपुर देगी गाँव ने भाजपा चलते पार्टी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। अच्छा, सभी लोगों ने, गांव वालों ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ली, क्यों? मैं आर्मी अखंड कुंवर से मनाल बोल रहा हूँ कि मैं जब से घर में आया हूँ लोगों से, वैसे हमेशा ही मैं नैन दर्तेवाड़ी के टाइम से कांग्रेस में था। उसके बाद जब उत्तराखंड बना मैं बीजेपी में गया। लगातार आज तक इस समय तक जो भी विधायक मिले हैं, चाहे वो जीते हारे, मैं बीजेपी ही मिला। तो लालकुआ से जुड़ी इस खबर में अभी के लिए इतना ही। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। नमस्कार।